हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दो फिगर दिया गया है, एक साइड आपका डे है और एक साइड आपका नाइट है, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि डे एंड नाइट कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक स्लाइड दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड आपका है रोटेशन और एक साइड आपका है रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है, राइट। इसको जानने के बाद ही हम जान पाएंगे कि जो दिन और रात होता है आपका वो कैसे होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो दिन होता है, राइट, दिन और रात होता है वो किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण होता है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिन और रात जो है वो किसके कारण होता है, तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि मीन्स रोटेशन के कारण होता है, राइट। यानी कि सिंपल टर्म में आप आंसर क्या लिखेंगे कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी आपकी घूमती है उसी के कारण आपका क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। तो देखिए, अब यह पृथ्वी जो है वो रोटेशन कितने घंटे में अपना कंप्लीट करती है? तो देखिए, एक रोटेशन अपना जो पृथ्वी है वह 24 आवर में कंप्लीट करती है, राइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन डे बोलते हैं। तो एक दिन में पृथ्वी अपनी जो रोटेशन है उसको कंप्लीट करती है। तो देखिए, और एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका कि मीन्स देखिए, जो पृथ्वी है आपकी वो सीधी नहीं है, राइट, वो क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड यानी कि झुकी हुई है। और कितने डिग्री पर झुकी हुई है आपका? वो 23.5 डिग्री पर, राइट। 23.5 डिग्री पर क्या है आपकी पृथ्वी जो है वो टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई है। और जिसके कारण से आपका क्या होता है, दिन और रात होता है, राइट। और इस साइड हम देख सकते हैं कि रिवोल्यूशन, राइट। तो देखिए, अब दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है, यह बार बार पूछता है और यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो कि बार बार लोग भूल भी जाते हैं। तो एक अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए, रोटेशन क्या होता है कि मीन्स जो पृथ्वी है वो थोड़ा सा आपका टिल्टेड यानी कि झुकी हुई है। और यहीं पर आपका क्या करता है, अपने फिक्स एक्सिस पर, राइट, फिक्स एक्सिस पर ये क्या कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, राइट, वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट कर रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, राइट। तो देखिए, रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस क्या हो गया, देखिए कि मीन्स रोटेशन जो हो रहा है वह एक फिक्स एक्सिस पर क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोटेशन बोल रहे हैं। और रिवोल्यूशन को समझते हैं। देखिए, रिवोल्यूशन जो है आपका वह एक फिक्स पथ में जो है वो क्या कर रही है, घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिवोल्यूशन बोल रहे हैं, राइट। देखिए, और दोनों से होता क्या है, तो देखिए, यानी कि जो दिन और रात हो रहे हैं आपके वो किसके कारण होते हैं, रोटेशन के कारण होते हैं। और जो आपके सीजन में चेंजेज होते हैं, यानी कि हम लोग ठंडी देखते हैं, गर्मी देखते हैं, बरसात देखते हैं, यह सब आपके किसके कारण होते हैं, यह रिवोल्यूशन के कारण होते हैं। और देखिए, इनका ड्यूरेशन कितना होता है, देखिए आपका जो रोटेशन होता है वह एक रोटेशन आपका कितने हावर में कंप्लीट होता है, 24 हावर में कंप्लीट होता है, यानी कि एक दिन में आपका रोटेशन जो है वो कंप्लीट होता है। और जो रिवोल्यूशन होता है आपका वह 365 दिन, यानी कि आपका वन ईयर में जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो यहां से आप लोगों का क्लियर हो गया कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है, राइट। तो और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि दिन और रात किसके कारण होता है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि मौसम में जो चेंजेज हमको दिखाई देते हैं या किसके कारण दिखाई देते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा, रिवोल्यूशन, राइट। तो यह एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था और लेकिन बार बार लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए हमको यह जानना आवश्यक है, राइट। तो इस प्रकार से हमने समझा कि रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।